नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे जियो का स्मार्टफोन है। गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कोई ऐसा फोन दिखाएं जिसमें जियो सिम चल जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन लेके आए जियो कंपनी का है, जिसे माइक्रोमैक्स ने और जियो ने से मिलके बनाया हुआ है, जिसका मॉडल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भारत 2+ फुल वोल्ट LTE फोन है, जिसमें आप 2 जियो सिम डाल सकते हैं। तो ये सारे ऑफर फीचर्स के साथ में आपको मिलेगा, जिसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीजें आप चला सकते हैं। तो ऐसे आज हमारे पास 2 फोन आए हुए हैं, दोनों को मैं करूंगा अनबॉक्स। इनमें से आपको कोई सा भी फोन पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप सस्ता स्मार्टफोन ढूंढ रहे जियो का जियो सिम चलाने के लिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पे अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए आपको दिखाते हैं इस स्मार्टफोन में कितना सस्ता फोन है, क्या कुछ पैक किया, कितने का रिचार्ज है, कैसे इस फोन को हम बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि दोनों फोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा रखे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा स्मार्टफोन दिखाएं बहुत ही सस्ता जिसमें जियो सिम चल जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेके आऊँ जियो का डिजिटल स्मार्टफोन है, और जिसका अगर मॉडल बात करेंगे तो भारत 2+ और फुल वोल्टी LTE फोन है, जिसमें आप 2 जियो सिम चला सकते हैं। तो अगर इसको बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पे जियो ने और माइक्रोमैक्स ने इसे मिलकर बनाया हुआ फोन काफी जबरदस्त है और बहुत ही सस्ता है। सारे ऑफर फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सस्ता स्मार्टफोन दिखा रहे हैं जो कि आप यहाँ पे बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जियो का स्मार्टफोन है, वो बहुत ही सस्ता है, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फोन दिखाऊंगा, तो आप ये फोन देख सकते हैं किस तरीके की पैकिंग में आता है और कैसा ये फोन है। पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि इस फोन के अंदर हमें कौन सी सिम डालना है, कितने का रिचार्ज होगा, सब चीजें आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप पहले सबसे पहले आपको मोबाइल दिखाता हूँ। तो इसका जो डिस्प्ले साइज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें 4.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग करने के लिए फ्रंट और बैक में हमें कैमरा मिल जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले साइज की, तो देखो डिस्प्ले भी हमें यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे ब्लैक कलर में मिल जाता है ये फोन। अगर ऊपर के साइड की अगर बात करेंगे तो ऊपर में एक हमें यहाँ पे ऑडियो जैक मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। और अगर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे V8 का चार्जर मिल जाता है। और मैं बैक की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक हमें कैमरा मिलेगा, फ्लैश लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे माइक्रोमैक्स देखो लिखा हुआ है, माइक्रोमैक्स का सिंबल भी बना हुआ है, और यहाँ पे स्पीकर जो दिया हुआ है उसमें आपको काफ़ी तेज आवाज़ आने वाली है। तो ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, इसे जियो ने अपने तरफ से देखो मिल के बना लिया है, जिससे आप जब तक जियो सिम नहीं डालेंगे तब तक ये फ़ोन नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरा फ़ोन भी दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये 2 फोन है मेरे पास, दोनों में आपको सिम डाल के दिखाएंगे, और इसमें जब तक जियो सिम नहीं डालेंगे तो ये फ़ोन नहीं चलेगा, चाहे ये भले ही माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपको इसमें सिम डाल के दिखाते हैं और क्या कुछ हमें कंपनी ने दिया ये भी दिखाते हैं। तो सिम डालने से पहले आपको दिखाता हूँ जो बैटरी हमें मिल जाती है इसमें, ये 1700mAh की हमें बैटरी मिल जाती है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। इसके साथ में और क्या मिलता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक हमें यहाँ पे V8 की केबल मिल जाती है, और एक यहाँ पे हमें चार्जर मिल जाता है, अडेप्टर मिल जाता है, और बुकलेट की अगर बात करेंगे तो एक हमें यहाँ पे माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर, और ये बुकलेट हमें मिल जाती है। इसमें अंदर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है और सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ के आराम से कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साइज में लिखा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको रखेंगे अभी साइड में और आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं फंक्शन में क्या क्या हमें मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से बैटरी डाल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये बैटरी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फोन, मैंने दोनों के कवर हटा दिए और यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोमैक्स का फोन है, Q402+ मॉडल नंबर है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 MI नंबर दिए हुए, बैटरी साइज दिया हुआ है, 1 साल की वारंटी कार्ड भी इसके अंदर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में आपको 1 साल की वारंटी कार्ड मिल जाएगा। तो ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आज हमें इसमें भी बैटरी डाल के आपको अंदर के फंक्शन दिखा देते हैं। तो ये जो बैटरी है हमें 1750mAh की बैटरी मिल जाती है, और 2 सिम का मोबाइल है, मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिम में से आपको 1 जियो सिम जरूर डालना है, आपको जब तक जियो नहीं डालेंगे ये फोन चालू नहीं होगा। तो जैसे कि अब ये मैंने बैटरी डाल दी है, अब इस फोन को मैं एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन मैंने यहाँ पे देखो चालू कर दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चालू हो रहा है। तो चलिए इसको जब तक ये फ़ोन चालू हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें हमें फंक्शन क्या क्या मिल जाते हैं। तो ये दूसरी बैटरी है जो इस फ़ोन की है, इसमें भी अभी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे फ़ोन दिखाऊंगा फ़ोन में फंक्शन क्या क्या आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जब तक ये फ़ोन चालू हो रहा मैं आपको यहाँ से फंक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको रियर कैमरा मिल जाएगा इसके अंदर, जो 5 MP का इसमें कैमरा हमें मिल जाता है, जैसे कि देख पा रहे हैं एंड्रॉयड आपको फ़ोन मिलेगा जिसमें आपको 1 GB की रैम है और
8GB का इंटरनल मेमोरी कार्ड मिल जाएगा और यहाँ पे 1700mAh की बैटरी है जो मैंने यहाँ पे अभी डाली हुई है। और आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, 4.5 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है और 5MP का यहाँ पे विद फ्लैश लाइट के साथ में कैमरा मिलेगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और 2MP का आपको फ्रंट का कैमरा मिल जाएगा। और अब मैं इसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं वो बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये फ़ोन यहाँ पे चालू हुआ तो क्या लिख के आया आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिवाइस लॉक, प्लीज इंसर्ट योर वैलिड जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस। अगर आप जियो सिम डालते हैं तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप जियो सिम नहीं डालेंगे इसी तरीके से ये लॉक दिखाएगा। आप अगर एक जियो सिम डाल देते हैं तो इसके बाद आप दूसरी कोई और भी सिम डाल सकते हैं, चाहे वो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया की कोई सी भी सिम हो वो आप डाल सकते हैं। तो ये 4G फ़ोन है, काफ़ी गजब का फ़ोन लग रहा है और सस्ता फ़ोन है। ऐसे फ़ोन बहुत सारे आते रहते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए आपको मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे हमें क्या क्या और चलाने को मिलने वाला है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1GB रैम, 8GB इंटरनल है और वोल्टी फ़ोन है। तो वोल्टी फ़ोन का मतलब होता है कि आप जियो सिम डालेंगे तो आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली चला पाएंगे। इसके अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ मिल जाता है और उसके साथ में अगर फंक्शन की बात करेंगे तो आपको इसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वाईफाई, वीडियो कॉलिंग, आप ये देख सकते हैं ये एंड्रॉयड सिस्टम में जितने भी फीचर्स होते हैं ये सभी फ़ोनों में होते हैं। मैं स्पेशल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये छोटा फ़ोन है, आपको लगे कि इसमें अंदर आपको क्या चलेगा या नहीं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, वीडियो कॉलिंग कुछ भी आप करेंगे वो प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें आप इस फ़ोन के अंदर चला सकते हैं। तो ये दो फ़ोन थे मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाए हुए, काफ़ी गजब के फ़ोन है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चल जाता है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है और यहाँ पे GPRS सिस्टम है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम आप चला पाएंगे और यहाँ पे बैटरी में लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया ऊपर की साइड में लिखा था 1700mAh की बैटरी। और ये देखो मॉडल इसमें लिखा हुआ है Q402+ मॉडल नंबर है और इसको वैसे बोलते हैं यहाँ पे Bharat 2, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल वोल्टी LTE फ़ोन भी यहाँ मिल जाता है। तो चलिए आपको एक बार यहाँ से MRP भी दिखाएंगे आपको और MRP के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें सिम डाल के आपको क्या कुछ ऑफर मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे MRP दिखा देते हैं। तो ये MRP देख सकते हैं इसमें 4499 रुपये इसकी MRP लिखी है इनवॉइस टैक्स लगा के, लेकिन ये जब फ़ोन लॉन्च हुआ था तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 1799 रुपये का था। और ये फ़ोन आज भी मैं आपको बता दूँ तो ये फ़ोन अभी भी मिल जाता है, क्योंकि ये फ़ोन क्या होता है जो पुराना माइक्रोमैक्स ने फ़ोन लॉन्च किया था अभी भी ये फ़ोन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हुआ है कि जैसे अब नए फ़ोन आ जाते हैं तो आदमी नए फ़ोन लेता है तो पुराने छोड़ देता है। तो इस वजह से ऐसे फ़ोन बहुत सारे मिल जाते हैं और ईजिली ऑफलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये 1799 रुपये का लॉन्च हुआ था आज भी ये फ़ोन सस्ता ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन में देखना है तब आपको मिलेगा। तो ऑफलाइन में आपको परचेज करना है, ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरे में आपको बता दूं इसमें जो दो सिम है आपको यहाँ पे जियो सिम डालनी है और रिचार्ज बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तो मैं आपको रिचार्ज बता दूं, इसमें आपको 149 209 रुपये का या फिर 249 का, अब जो रिचार्ज अब मिलेगा आपको 249 का 209 रुपये वाला बंद हो गया और वहाँ पर आपको ऐसे जैसे 199 का है या फिर 299 का रिचार्ज, इस तरीके के आप रिचार्ज इसमें करा के आप अपनी सिम चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास जियो की सिम है, जियो फ़ोन की सिम है, वो सिम में डालना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्मार्टफोन के रिचार्ज करा के आप इजीली चला पाएंगे गाइस, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत डाउट लगता है कमेंट करके बताना, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।